हेलो फ्रेंड्स, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पार्ट टू हम लोग करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 1101। वन हु कलेक्ट्स, आप होपफुली आपने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पार्ट वन देख लिया होगा। सो वन हु कलेक्ट्स पोस्टेज स्टैम्प्स, उसे हम क्या कहते हैं? जो स्टैम्प पेपर स्टैम्प्स होते हैं ना पोस्ट ऑफिस के, जो वो कलेक्ट करता है उसे हम कहते हैं फिलाटेलिस्ट। देखो ये रहा थर्ड क्वेश्चन, आंसर आपको हमने ऑलरेडी दे रखा है, फिलाटेलिस्ट बोलते हैं। अब देखो कैसे याद रखोगे, देखो फिल मीन्स मैंने आपको ऑलरेडी वर्ड मैराथन में बताया हुआ है। वर्ड मैराथन नहीं देखा है तो यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, हमारे चैनल पे चले जाओ द अकेडमी एडीयू, वर्ड मैराथन वन और वर्ड मैराथन टू देख लो। फिलाटेलिस्ट, फिल मीन्स होता है लव, और टेलीफोन, टेलिस्ट मतलब समझ गए ना, जो भेजना होता है उससे बना टेलिस्ट, टेलीकॉम्युनिकेशन। तो फिलाटेलिस्ट पहले टेलीकॉम्युनिकेशन तो नहीं था, तो स्टैंप था, तो उसी से बना स्टैंप लविंग, है ना, जो स्टैंप को लव करता है। तो वन हु कलेक्ट्स स्टैंप्स आर कॉल्ड फिलाटेलिस्ट। थोड़ा सा विड्थ कम कर लेते हैं। हाँ नाउ, अब जो पहला है देखो क्या है, फिलेंथ्रोपिस्ट। फिल मीन्स लव, एंथ्रोपोज मीन्स मैंने आपको बताया मैनकाइंड। तो फिलेंथ्रोपिस्ट मीन्स क्या होगा, वन हु लव्स मैनकाइंड, वन हु वन लव्स मैनकाइंड, जो मनुष्यों को प्यार करता है उनके लिए डिफरेंट वर्क करता है। न्यूमिस मैटिस, न्यूमिस नंबर से बना, मैटिस्ट मेटल, तो जो सिक्के होते हैं मेटल के होते हैं, तो न्यूमिस मैटिस्ट का होता है वन हु स्टडी द क्वाइंस और वन हु कलेक्ट्स द क्वाइन। वन हु स्टडी भी आ जाता है कभी कभी, स्टडी या फिर कलेक्ट, कलेक्ट कलेक्ट्स डिफरेंट क्वाइन, डिफरेंट क्वाइंस। क्यूरेटर, क्यूरेटर जो होता है ना वो देख रेख करता है, जैसे एक पिच, जैसे आप ग्राउंड में जो क्रिकेट पिच होता है वो कौन बनाता है, क्यूरेटर। जैसे लैब में, लैबोरेटरी में जो होता है ना, जो लैबोरेटरी का देख रेख करता है असिस्टेंट, उसे भी क्या कहते हैं, क्यूरेटर। नेक्स्ट पे आ जाइए। नेक्स्ट 102 पे आ जाओ। दोज हु पास थ्रू दिस गेट विदाउट परमिशन विल बी प्रोसिक्यूटेड। आपने देखा होगा बहुत सारे गवर्नमेंट बिल्डिंग या ऐसा कोई जगह जहां पे लिखा रहता है प्रोसिक्यू ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड, शैल बी प्रोसिक्यूटेड, है ना। यहां एक्चुअली विल की जगह शैल होना चाहिए था, शैल बी प्रोसिक्यूटेड होना चाहिए, ठीक है ना। वो जो बिना अनुमति के, बिना जो है जिसको अलाउ नहीं है, वो यदि कहीं चला जाता है ऐसी जगह पे, तो उसे प्रोसिक्यूट किया जाएगा। ऐसे लोगों को हम क्या कहते हैं, ट्रेसपैसर्स, ट्रेसपैसर्स, जो बिना अलाउ के, बिना परमिशन के एंटर करता है किसी के प्रॉपर्टी में। वन हु एंटर विदाउट परमिशन, वन हु एंटर्स विदाउट परमिशन, विदाउट पर मिशन, ठीक है। पैसर वाई, आने जाने वाले लोग, आने जाने वाले लोग, पीपल, जो लोग आते जाते रहते हो, पैसर्स बाई। एब्सकॉन्डर, एब्सकॉन्डर का मीनिंग होता है फ्यूजिटिव, ये भी आ सकता है फ्यूजिटिव। अब फ्यूजिटिव क्या होता है, वो जो लॉ से, कानून से भागता है उसे कहते हैं फ्यूजिटिव। वन हु Escaping, one who escapes from law, law से बचता है, अरेस्ट होने से बचता है, उसे कहते हैं एब्सकॉन्डर, फ्यूजिटिव उसी को कहते हैं। थ्रू फेयर्स, देखो थ्रू फेयर्स का मीनिंग होता है रोड, रोड वे विच कनेक्ट्स वन टू अनदर लोकेशन, ठीक है। 103 पे आ जाओ। तो ये क्या कहता है, नेशंस दैट डू नॉट ट्रस्ट ईच अदर, ईच लुक अपॉन ईच अदर, जो एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं करते। तो ऐसे दो देश को, जैसे हम इंडिया पाकिस्तानी ले लें, जो एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं करते, तो उसको हम कहते हैं आस्केंस, ठीक है ना। देखो कामली का मीन्स क्या होता है, शांति से, पीसफुली, पीस है ना, पैसिफाई भी कहते हैं इसको हम लोग,
पीसफुली है ना, काम्स का कामली का मीनू हो गया पीसफुली। चल क्यों नहीं रहा पेंटेंस आज, पीसफुली ठीक है। ये पेन चेंज करवा दीजिए, ये चल नहीं रहा ढंग से। होपफुली, देखो होपफुली का क्या मीनिंग होता है, किसी चीज का आप एक्सपेक्टेशन है ना, लेकिन होपफुल हम होते हैं गुड चीजों के लिए, एक्सपेक्टेशन ऑफ द गुड थिंग। एक्सपेक्टेशन फॉर गुड थिंग्स ठीक है। रेट्रोस्पेक्टिव, देखो रेट्रो मीन्स होता है पुराना, ओल्ड ठीक है, और रेट्रोस्पेक्टिव रेट्रो रिस्पेक्टिव से बना है। देखो तो रेट्रोस्पेक्टिव का स्पेकुलेशन, पुरानी चीजें को रेफरेंस देना, तो ओ रेट्रोस्पेक्टिव मीन्स होता है टू गिव रेफरेंस ऑफ ओल्ड थिंग, टू गिव रेफरेंस ऑफ ओल्ड थिंग्स और ओल्ड आइडियाज, कुछ भी। नाउ 104 पे आ जाओ। कॉन्स्टेंट एफर्ट टू अचीव समथिंग, प्रिजर्वरेंस, प्रिजर्व रखना अपने को, बार बार किस चीज को करना, परसिवियरेंस, परसिवियरेंस ठीक है। पेशेंस आप समझते हो धैर्य रखना है ना, वाइगर, तो वाइगर मीन्स होता है पावर, इंथुजियाज एनर्जी है ना, इंथुजियाज्म सेम थिंग है, वाइगर और इंथुजियाज्म सेम थिंग है, तो आंसर आ गया इसका परसीवियरेंस। द स्टोरी ऑफ वंस लाइफ ठीक है ना। देखो जब कोई अपनी ही और अपने ही बारे में लिखता है तो उसे कहते हैं ऑटो, ऑटो मीन्स अपने आप, बायो मीन्स लाइफ, ऑटोबायोग्राफी। कार्टोग्राफी क्या होता है, देखो कार्टो मीन्स होता है मैप, ग्राफी मीन्स टू राइट, तो मैप मेकिंग को क्या कहते हैं, जो मैप बनाता है मानचित्र, उसे हम कहते हैं कार्टोग्राफी। कैलीग्राफी, कैली मीन्स सुंदर, ग्राफी मीन्स राइट, तो वन हु राइट राइट्स इन गुड, या हम लोग ये कह सकते हैं गुड हैंड राइटिंग, वन हु राइट्स इन गुड, और ऐसे नहीं, इन डिजाइन, या वन हु राइट्स इन वन वन हु हैज गुड हैंड राइटिंग, जिसकी अच्छी हैंड राइटिंग है, सुंदर हैंड राइटिंग, इज कॉल्ड कैलीग्राफी। बिब्लियोग्राफी, देखो बिब्लो का मीन्स होता है बुक और ग्राफी मीन्स राइट, तो बिब्लियोग्राफी तो क्या बुक लिखना होगा, नहीं। देखो बिब्लियोग्राफी का मीनिंग होता है, आपने देखा होगा बहुत सारे बुक में लास्ट पेजेस में, जो लास्ट का पेज होता है उसमें लिखा होता है कि जो बुक आपने पढ़ाई है इसकी चीजें कहां कहां से ली गई है, तो बिब्लियोग्राफी का मीन्स होता है रेफरेंस, जहां जहां से वो लिया गया है, रेफरेंस ठीक है ना, ऑफ बुक, कि कहां कहां से वो चीजें ली गई हैं उस बुक की। यदि वो ऐसा नहीं लिखेंगे तो उसे प्लेजरिज्म माना जाएगा, प्लेजरिज्म का मीनिंग होता है किसी के रिटर्न चीजों को चोरी करना। नाउ 106, अ पर्सन हु कॉन्स्टेंटली थिंक्स दैट ही सिक, जिसको लगता है मैं बीमार हूं, हाइपोकॉन्ड्रिक ठीक है ना, हाइपो मीन्स बहुत ज्यादा, कॉन्ड्रिक मीन्स होता है जो बॉडी से रिलेटेड होता है, तो हाइपोकॉन्ड्रिक मीन्स होता है कि वन हु ऑलवेज थिंक्स अरे कहीं मुझे सर्दी ना हो जाए, गर्मी ना हो जाए, मैं बीमार ना पड़ जाऊं, ऐसे लोगों को कहते हैं हाइपोकॉन्ड्रिक। मिसोजिनिस्ट, मिसो मीन्स हेट करना, जिनी मीन्स फीमेल, तो वन हु क्या हो जाएगा, ये वन हु हेट्स फीमेल, जिनी मीन्स फीमेल। मिसो मिस एंथ्रोप, मिस मीन्स हेट, एंथ्रोपोज बना, एंथ्रोप बना एंथ्रोपोज, मैनकाइंड, तो ये क्या होगा, हेट्स मैनकाइंड, मनुष्यों से नफरत करने वाला, मैनकाइंड, मैन ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाइए। हाइपर पिट्यूटरी, हाइपर पिट्यूटरी नाम का कोई वर्ड नहीं होता, पिट्यूटरी बस ग्लैंड होता है हमारा ठीक है, जो मास्टर ऑफ ऑल ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है अपना, जो ग्रंथि होता है, इसे कहते हैं पीयूष ग्रंथि हिंदी में, ये सभी ग्रंथों का मास्टर होता है, मास्टर ऑफ ऑल ऑल द ग्लैंड्स। 107 पे आ जाओ। वन ऑफ द टाइम टेस्टेड वेज ऑफ रिमेंबरिंग अ सीरीज ऑफ आइटम, देखो जब कोई चीज सीरीज में लिखा जाता है ना उसे कहते हैं क्रोनो, क्रोनो मीन्स टाइम, क्रोनोलॉजी
है क्या देखो तो क्रोनोलॉजी नहीं है इसमें, चलो कोई बात नहीं, लेकिन इसमें कोई दूसरा वर्ड है ना, निमोनिक्स। देखो ये निमोनिक्स, निमोनिक्स का भी मीनिंग यही होता है कि ऐसे रिमेंबर करना जो एकदम श्रृंखलाबद्ध हो, क्रोनोलॉजिकल हो, तो निमोनिक्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं कि मैंने चीजों को ऐसे याद रख लिया कि जैसे रानीगंज में कोयला होता है, तो मैंने ऐसे लिख लिया रानीगंजी है, उसके एक टाट पे कोयले लगे, कोयला लगा हुआ है, ब्लैक सर है उसका। तो एक याद रखने का हमने एक तरीका बना लिया, इसी को कहते हैं निमोनिक, पिक्चराइजेशन, पिक्चर मेथड से किस चीज को याद रखना। रिकलेक्शन, आप समझ लो किस चीज को फिर से कलेक्ट करना, खो गया है तो। स्केमेटाइज करना, किस चीज का स्केमेटिक, एक प्लान बनाना, डायग्राम, जनरली ये रिटन चीजों के लिए होता है। इनजेन्युटी, देखो इनजेन्युटी का मींस होता है जीनियस, जीनियस कैसे होते, क्लेवर है ना, चालाक। द क्वालिटी ऑफ बींग क्लेवर, द क्वालिटी ऑफ बीइंग क्लेवर, ठीक है 108 पे आ जाओ। ए केयरफुल प्रिजर्वरेंस एंड प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ इन द नीड ऑफ आर, तो वाइल्ड लाइफ को हम क्या करते हैं, कंजर्वेशन, संरक्षण, ठीक है। मैनेजमेंट आप समझते हैं, प्रबंधन। एम्बार्कमेंट, एम्बार्कमेंट क्या होता है, नदी के चारों तरफ, नदी के दोनों तरफ बनाया जाता है क्या, एम्बार्कमेंट रोकने के लिए, इसी को दूसरे फॉर्म में कहते हैं एम्बार्कमेंट को हम लोग। जैसे सपोज करो आप ट्रेन में जा रहे हो, तो सभी पैसेंजर का ट्रेन में चढ़ना इज कॉल्ड एम्बार्कमेंट, है ना। तो आप क्या कह सकते हो इसको, एम्बार्कमेंट को गेटिंग अबोर्ड, गेटिंग एबोर्ड ना, आप चढ़ते हैं ना ट्रेन में, दैट इज कॉल्ड एम्बार्कमेंट। जैसे पानी चढ़ता है इज कॉल्ड एम्बार्कमेंट, है ना। अच्छा दोनों तरफ, जैसे नदी के दोनों तरफ जो ऐसे बांध बनाया जाता है रोकने के लिए, इसे कहते हैं डाइक, ये आया हुआ एग्जाम में, डाइक कहते हैं इसको। 109 पे आ जाओ। एनीथिंग रिटन इन लेटर आफ्टर इट इज साइंड, कोई भी चीज लिखना आफ्टर साइन, जैसे पेपर हो है साइन के बाद इस पे कुछ लिखना, तो लिख बाद को कहते हैं पोस्ट और पहले को कहते हैं प्री, इससे पकड़ लिया करो। तो पोस्ट वाला कौन सा वर्ड है, अब दो है अपने पास, देखो पोस्ट स्क्रिप्ट और पोस्ट डिक्शन। देखो पोस्ट डिक्शन का मीनिंग जो है ना वर्ड से है ना, और हम लोग रिटर्न लेटर लिख रहे हैं तो लिखने को कहते हैं स्क्रिप्ट, कहते हैं ना स्क्रिप्ट राइटिंग फिल्मों में, तो पोस्ट स्क्रिप्ट इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। पहला था आपका इसमें कॉरिजेंडम। देखो कॉरिजेंडम का क्या मीनिंग होता है कि ए थिंग टू बी करेक्टेड, है ना, करेक्ट करना। कॉरिजेंडम जैसे देखो कि न्यूज़पेपर वगैरह में क्या होता है, कुछ गलतियां हो जाती हैं तो अगले दिन कॉरिजेंडम आता है, वो उसमें कहते हैं कि ये एक्चुअल में ये था, करेक्ट करते हैं वो। तो कॉरिजेंडम मींस होता है टू करेक्शन सम एरर, करेक्शन ऑफ सम एरर, ठीक है। जैसे सपोज कर लो कि कोई, मैं वर्ड आपको करवा रहा हूं आज, हो सकता है वो मिस्टेक हो जाए और फिर मैं कल उसको ठीक करवाऊं कि नहीं एक्चुअल में ये वर्ड होना चाहिए था, तो दैट इज कॉल्ड कॉरिजेंडम, टू मेक सम करेक्शन। मैन्यूस्क्रिप्ट मीन्स हैंड रिटन, हैंड रिटन। पोस्ट स्क्रिप्ट हो गया, रिटन अ लेटर आफ्टर इट साइंड। पोस्ट डिक्शन, देखो पोस्ट डिक्शन में होता है एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन, लेकिन ये एक्सप्लेनेशन कैसा है, स्केप्टिकल, मतलब इसमें ना कुछ धोखा दिया गया इस एक्सप्लेनेशन में, एक्सप्लेनेशन सही नहीं, उसे कहते हैं पोस्ट डिक्शन। 110, वी आर एक्सपेक्टिंग अ गुड मॉनसून दिस ईयर, तो जब कोई चीज आप ऐसा चीज एक्सपेक्ट करते हो जो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, फ्यूचर को प्रोडक्ट एक्सपेक्ट करना, दैट इज कॉल्ड प्रिडिक्शन, प्रिडिक्ट करना, फ्यूचर को प्रिडिक्ट किया जाता है। प्री मीन्स पहले से, डिक्शन मीन्स बोलना, प्रिडिक्शन। गेटिंग मीन्स आप समझते हो प्राप्त करना, होपिंग अच्छे के लिए होप करते हैं हम लोग। विजुअलाइजिंग मीन्स देखना, दृश्य दिख जाना, उसे कहते हैं विजुअलाइजिंग। नाउ रिस्पॉन्सिबल, 111 देखो क्या है, रिस्पॉन्सिबल अकॉर्डिंग टू लॉ, जो लॉ के मतलब लॉ के अनुसार
रिस्पॉन्सिबल होता है। तो याद करो, जज कहता ना ही इज लाइबल टू पनिस, तो लाइबल का मीन्स होता है रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल अकॉर्डिंग टू लॉ। कहते ना कि जब जैसे पति पत्नी में डाइवोर्स हो जाए तो कहते हैं कि फादर इज लाइबल टू पे द एलिमनी, हस्बैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पे द एलिमनी। तो लाइबल मीन्स लॉ के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्सिबल होना। एलिजिबल मीन्स क्या होता है, एलिजिबल, एलिजिबिलिटी है ना, क्षमता, आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं, तो एलिजिबिलिटी आपकी क्षमता है ना। अनिवार्यता, सॉरी अनिवार्यता नहीं, एलिजिबल मीन्स आपकी एग्जाम में हम एलिजिबल हैं कि नहीं, हम चेक करते हैं अपनी एलिजिबिलिटी है ना। इलेजिटिमेट, इलेजिटिमेट, देखो इल मीन्स नेगेटिव हो जाता है, इलेजिटिमेट, लेजिटिमेट मीन्स होता है अ रिलेशन विच इज अनलॉफुल, अनलॉफुल रिलेशन, इलिजिटिमेट कहते हैं उसको, अनलॉफुल। ठीक है, 111 पे आ जाओ, 112, अपोज्ड टू ग्रेट और सडन चेंज। देखो जो किसी भी चेंज को ना अपोज करते हैं हमेशा, उसे हम कहते हैं कंजर्वेटिव्स। फॉर एग्जांपल, जैसे आप देखो कुछ लोग होते हैं उसको, वो हमेशा किसी ना किसी उस चीज को, किसी भी चीज को भी ना, किसी भी आइडिया को वो नकारेंगे, चाहे वो ठीक हो चाहे गलत हो, उनका काम होता है मना ना करना कि नहीं ये ठीक नहीं है। जैसे मान लो आप अपने कह दो कि आज से इंडिया में सबकी पढ़ाई सब पढ़ेगा, ऐसा हम एक लॉ बनाएंगे, तो जो कंजर्वेटिव है वो कहेंगे नहीं ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, मान लो हम कहते हैं कि अब सब बेवकूफ रहेंगे, तो कंजर्वेटिव कहेंगे ऐसा नहीं हो सकता। मतलब चाहे गलत काम हो चाहे बुरा काम हो, ये हमेशा क्या कहेंगे कंजर्वेटिव, ये तो गलत है, ये तो गलत है। आसपास आजकल आप अपने देख रहे हो एनवायरमेंट में क्या चल रहा है पॉलिटिकली, ठीक है ना। तो ये हर चीज का अपोज करते हैं कंजर्वेटिव्स, है ना, ये बिल्कुल भी चेंज नहीं चाहते, नो चेंज, है ना। जैसे अमिताभ बच्चन ने कहा था मोहब्बतें में, आई डोंट लाइक चेंजेस, है ना, तो उसे कहते हैं कंजर्वेटिव, वो जो चीज है उसी में कंजर्व रहना चाहता है। नेक्स्ट है रिवोल्यूशनरी, जो आंदोलनकारी है, जो हमेशा चाहता है चेंज, रिवोल्यूशन। इवोल्यूशन का भी मीन्स होता है, इवोल्यूशन मीन्स होता है वृद्धि करना, एक और बेटर, बेटरमेंट, इवोल्यूशन। ठीक है, स्टैटिक मीन्स रुका हुआ, 113 पे आ जाओ। वन हु स्टडीज द वर्किंग ऑफ ह्यूमन माइंड, जो ह्यूमन माइंड के वर्किंग को समझता है, उसे हम क्या कहते हैं, माइंड बॉडी किससे रिलेटेड है, हैं? आप देख लो, मैंने यूट्यूब पे जो आपको डाला था फ्री में वीडियो मैराथन वाला, उसमें मैंने करवाया था कि माइंड मीन्स होता है साइकी, साइकी माइंड, साइकोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट। ठीक है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट कौन होता है, जो मनुष्य विज्ञान पढ़ता है, मनुष्य शास्त्र, मानव शास्त्र, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग, जो डेवलपमेंट पढ़ता है ह्यूमन बीइंग का कि कैसे ये डेवलप हुए, उसे हम कहते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट। एंथ्रोपोज मीन्स मैनकाइंड, लॉजी मीन्स स्टडी। न्यूरोलॉजी है ना, न्यूरो मीन्स नर्व, हमारा जो ब्रेन है उसका सेल का नाम क्या है, उसके कोशिका का, न्यूरोन, और जो उसकी स्टडी करता है उसे न्यूरोलॉजिस्ट, ब्रेन को स्टडी करना, राइट। नेक्स्ट क्या है, इथनोलॉजिस्ट। देखो ये वर्ड बना इथनो, इसका मीनिंग होता है स्टडी ऑफ द डिफरेंट रेस ऑफ ह्यूमन बीइंग, स्टडी ऑफ डिफरेंट रेस, रेसेस बोलो, ऑफ ह्यूमन बीइंग। ठीक है, आप देखो ऐसे याद रख लेना, इथोस, इथिक्स, इथिक्स मीन्स हर रेस, हर प्रजाति की अलग अलग इथिक्स होती है ना, इथिक्स विचारधारा। तो इथनोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ डिफरेंट रेसेस, डिफरेंट टाइप के जो पीपल दुनिया में रह रहे हैं उन सबकी स्टडी करना, उनके कल्चर की स्टडी करना, इथनोलॉजिस्ट। 114 पे आ जाओ, प्लेस गिवन टू सोल्जर टू लीव इन, सोल्जर्स कहां रहते हैं, तो बहुत ईजी है, बैरक में। ट्रेंच क्या होता है, ट्रेंच का हिंदी का मीनिंग होता है गर्त, गर्त मीन्स जैसे खाई, ऐसे खाई को क्या कहते हैं, ट्रेंच, ये क्या है, ट्रेंच, ट्रेंच।
खाई, गर्त, और सबसे बड़ा अर्थ के ऊपर सबसे गहरी खाई, सबसे गहरा ट्रेंच, डीपेस्ट ट्रेंच कौन सा है? तो उसका नाम है मैरीना ट्रेंच, मैरीना। और ये कहां पे है? पैसिफिक ओशन, पैसिफिक ओशन प्रशांत महासागर में पूछा जाता है। ये गैरेज जहां पे कार वगैरह पार्क किया जाता है उसे हम गैरेज कहते हैं, ठीक करने के लिए। क्वे, क्वे का मीनिंग आप क्या कहोगे? देखो तो क्वे का मीनिंग होता है अ प्लेटफॉर्म वेयर गुड्स एंड पैसेंजर्स आर लोडेड ऑन एंड ऑफ बोट्स। आप देखो, देखे होगे जहां पे फिल्मों में देखोगे या कोई पोर्ट वगैरह पे गए होगे तो वहां देखोगे जहां पे ऐसे करके सामान को बोट से निकालते हैं या इंसानों को वहां बोट से उतारते हैं ऐसे लगा के, इसी को हम कहते हैं क्वे, ए प्लेटफॉर्म, ठीक है ना। और रेलवे प्लेटफॉर्म नहीं, शिप का प्लेटफॉर्म जहां मनुष्यों को, मैन को और वस्तुओं को, गुड्स को उतारा जाता है शिप से, दैट इज कॉल्ड क्वे। नेक्स्ट आ जाओ। अ पर्सन ऑफ साउथ अफ्रीकन डच डिसेंट, डिसेंट मीन्स होता है डिसेंडेंट्स, मतलब संतति, संतति मीन्स जैसे हमारे डिसेंडेंट्स, हमारे संतान, हम किनके डिसेंडेंट हैं, मीन्स हमारे फोर फादर, ठीक है ना। तो उसे हम कहते हैं जो अफ्रीकन डिसेंडेंट्स हैं डच, उसे हम कहते हैं बोअर, BOER, बोअर, ठीक है। नेक्स्ट, जो BOAR है, बोर, जो ये बोर है ना, इसे, ये पिग है एक्चुअली, इसका मीनिंग होता है पिग, ठीक है। बोर का मीनिंग तो आपको पता ही है, बोर करना, डोंट बोर मी, ठीक है। और जो BOOR, बोर होता है, इसका मीनिंग भी होता है कोअर्स, गंदा, ठीक है ना। नहीं, इस बोर का मीनिंग होता है समथिंग कोअर्स, कोअर्स मीन्स जहां पे आपको मन ना लगे, बड़ा बोरिंग हो रहा है। अच्छा, ये जो बोर है ना, बोरवेल करना, मशीन से हम बोर करते हैं ना, धरती में नीचे होल बनाते हैं पानी के लिए, हैंडपंप के लिए, उसे कहते हैं बोर, बोरवेल, गड्ढा करना। चलो नेक्स्ट आ जाओ। तो इनर्टनेस, देखो 116 क्या है, लैक ऑफ स्किल, जब स्किल की कमी होती है उसे हम कहते हैं, देखो जब जिसमें स्किल होता है उसे हम कहते हैं एप्टनेस, एप्ट, ठीक है। और जब स्किल की कमी हो जाती है तो उसे उसमें इन लग जाता है और फिर ये ए ई हो जाता है, इनएप्टनेस, लैक ऑफ स्किल, ठीक है। जिसको हम, इसका और एक वर्ड आ सकता है सिनिस्टर, मीन्स लैक ऑफ स्किल, जिसको अपना वर्क करना नहीं आता, ठीक है। इनर्ट, इनर्टनेस मीन्स क्या होता है, नॉन रिएक्टिव, जिसको आप कुछ बोलोगे वो आंसर ही नहीं देगा, तो इनर्टनेस, इनर्टनेस मीन्स नॉन रिएक्टिव, नॉन रिएक्टिव, ठीक है ना, रिएक्शन नहीं होना, इनर्ट, इनर्ट गैसेस। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं नियॉन, नियॉन एक कैसा गैस है, इनर्ट गैस, जो किसी से रिएक्ट नहीं करता, इनर्टनेस कहते हैं उसको। इंसिस्टेंस, डिमांड करना, जबरदस्ती का डिमांड, उसे हम कहते हैं इंसिस्ट, कहते हैं ना यार उसने बहुत इंसिस्ट किया तो मुझे देना पड़े, देना पड़ा पैसा। इंसोलेंस, देखो सोलेंस, सोलेंस का मीन्स होता है रिस्पेक्ट, इनसोलेंस इन नेगेटिव वर्ड बना देता है, तो इनसोलेंस मीन्स किसी का रिस्पेक्ट नहीं करना, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, लैक ऑफ रिस्पेक्ट, लैक ऑफ शोइंग रिस्पेक्ट, लैक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर समवन, रिस्पेक्ट, रूड, ठीक है। चलिए 117 पे आ जाओ। स्टिक विद अ थिक एंड यूज्ड इन अ मोर्टर फॉर पाउंडिंग, पाउंडिंग मीन्स पीसना, पीसना, पाउंडिंग मीन्स पीसना, ठीक है ना। देखो मोटर मीन्स क्या होता है, आपने घर में देखा होगा कूटने के लिए हम लोग रखते हैं ना एक ऐसे, इसे कूटते हैं कोई भी चीज, जैसे अदरक या लहसुन, तो इसे क्या कहते हैं हिंदी में, मूसल, ओखल और मूसल, तो जो ये है ना ये, इसको कहते हैं मूसल और इसको कहते हैं ओखल, ठीक है ना। तो पेसल, पेसल इसका मीन्स होता है पेसल, मूसल,
ठीक है, आपका ये हो गया आंसर। ठीक है, ये क्या है? थिस्टल। थिस्टल इज, थिस्टल का कोई मीनिंग नहीं होता, ये एक प्लांट होता है, वाइल्ड प्लांट जो नोकीला होता है, नोकीला चुभता है, ठीक है ना। स्टाइफल वर्ड आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। स्टाइफल, स्टाइफल मींस क्या होता है? देखो, स्टाइफ करना, स्टिफ करना, स्टिफ मींस होता है बांध देना, गले को बांध देना ताकि मर जाए कोई। तो स्टाइफल मींस होगा, इसको हम लिखेंगे सफोकेट और मेक इनेबल टू ब्रीद, मेक इनेबल टू ब्रीद। तो स्टाइफल का मीनिंग होता है सफोकेट, टू सफोकेट समवन, सफोकेट गला घोट के मार देना। ठीक है, स्कैप्टर, स्कैप्टर मीन्स होता है डोमिनियन, डोमिनियन, डोमिनियन मीन्स प्रभुत्व, संप्रभुत्व, संप्रभुत्व नहीं, प्रभुत्व आप कह सकते हो, संप्रभुत्व तो सॉवरन होता है। ठीक है, तो स्कैप्टर का मीन्स होता है डोमिनियन, जैसे इंडिया डोमिनियन था किसका, इंग्लैंड का, 118 पे आ जाओ। एंड एक्ट वेन पीपल वोट इन ऑर्डर टू मेक अ डिसीजन अबाउट अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट और पॉलिसी रेदर देन वोटिंग फॉर अ पर्सन, वोट नहीं कर रहा है, डिसीजन दे रहा है अपना, तो जब डिसीजन दे देते हैं तो उसे रेफरेंडम कहते हैं। जब सभी से अपना अपना एक एक करके किसी एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पॉलिटिकल आइडिया के लिए, किसके लिए रेफरेंडम, देखो किसके लिए होता है, पॉलिटिकल आइडिया के लिए, किसी पॉलिटिकल इश्यू के लिए जब लोगों से उनका डिसीजन मांगा जाता है, वोटिंग नहीं, डिसीजन, तो उसे कहते हैं रेफरेंडम। ठीक है, इलेक्शन आप समझते हो, एग्जिट पोल समझते हो, बाई इलेक्शन भी समझते हो, जो दूसरा इलेक्शन करवाया जाता है इलेक्शन किसी कारणवश कुछ प्रॉब्लम होने पे। ऐसे एक होता है प्लेबिसाइट, रेफरेंडम जैसे है ना, वैसे ही होता है एक प्लेबिसाइट, प्लेबिसाइट, प्लेबिसाइट मीन्स होता है लोगों से किसी पर्टिकुलर इशू पे, हिंदी में इसे कहते हैं जनमत संग्रह, जनमत, जनमत मतलब लोगों से किसी इशू पे उनके राय मांगना, उनके डिसीजन मांगना, उसे कहते हैं प्लेबिसाइट। तो प्लेबिसाइट एक जनरल है, लेकिन जब पॉलिटिकल हो जाता है तो उसे रेफरेंडम कहते हैं। जैसे स्कॉटलैंड में अभी रेफरेंडम हुआ था कि वो इंग्लैंड के साथ मिलना चाहते हैं या नहीं मिलना चाहते, तो उसे कहते हैं रेफरेंडम। वन हु सेट टाइप फॉर द बुक, न्यूज़पेपर एक्सेट्रा, तो टाइपिस्ट तो जनरल टाइपिस्ट होता है, एडिटर तो न्यूज़पेपर को एडिट करता है, उसमें क्या होगा क्या नहीं होगा वो करता है। कंपोजर सॉन्ग कंपोज करता है, किसी चीज को बनाना, कंपोजर, कंपोजिटर कहते हैं। वन हु सेट सेट्स टाइप फॉर बुक्स, न्यूज़पेपर है ना, जो शट, जो सेट टाइप करता है उसे हम कहते हैं कंपोजिटर, कंपोजिटर। लैंड कवर्ड बाय वाटर ऑन थ्री साइड, जैसे इंडिया है, तीन साइड में वाटर है ना, इधर भी, इधर भी, इधर भी, तो उसे हम क्या कहते हैं, याद है, इसे इसको प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं हिंदी में, इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, पेनिनसुलर इंडिया, तो पेनिनसुला कहते हैं। आइलैंड क्या होता है, जिसके चारों तरफ पानी होता है। मेनलैंड क्या है, तो जैसे इंडिया है अपना ऐसे, तो ये मेन लैंड है और ये पेनिनसुला है। स्ट्रेट क्या होता है, जैसे कोई दो जल को मिलाने वाला, जैसे ये इंडिया है और ये श्रीलंका है, इधर इंडियन ओशन, इधर बे ऑफ बंगाल, इन दोनों को मिलाता कौन है, बियरिंग स्ट्रेट, बियरिंग स्ट्रेट। ठीक है, तो बियरिंग स्ट्रेट होता है, बियरिंग स्ट्रेट, इसे हिंदी में कहते हैं जल डमरू, जो जो दो डिफरेंट सी को मिलाता है। ठीक है, आपसे सॉरी, बियरिंग नहीं, इसका नाम पाक स्ट्रेट है, PALK, पाक स्ट्रेट। और जो आर्कटिक ओशन को, जैसे ये अलास्का है और ये रशिया है, इन ये यहाँ आर्कटिक ओशन है और यहाँ पे पैसिफिक ओशन, इन दोनों को मिलाता है, उसे हम कहते हैं, ये वाला ओशन जो है, जो मिलाता है उसे कहते हैं बियरिंग स्ट्रेट, बियरिंग स्ट्रेट। ठीक है, और ये वाला है पाक स्ट्रेट, PALK। चलो 121 पे आ जाओ। ए ब्रीफ और शॉर्ट स्टे एट अ प्लेस, जब आप किसी जगह पे थोड़े से टाइम के लिए रहते हो उसे कहते हैं सोजर्न, सोजर्न। सॉलिट्यूड मीन्स होता है अकेला होना, अकेला। सॉलिस्टिस, सॉलिस्टिस जो होता है, देखो जैसे ये अर्थ है, ठीक है ना, ऐसे ये 0 डिग्री, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ होता है और ये 23.5 डिग्री साउथ होता है। ठीक है, तो सोलिस्टिस उन दिनों को कहते हैं, जैसे विंटर सोलिस्टिस, समर सोलिस्टिस, ठीक है ना, तो उसे हम
सोलिस्टिस क्या है? तो सन का मूवमेंट है, ठीक है ना? तो ऐसे होता है विंटर सोलिस्टिस, समर सोलिस्टिस। जब विंटर सोलिस्टिस होता है तो ज्यादा ठंड होती है, जो समर सोलिस्टिस होता है तो ज्यादा गर्मी होती है, ठीक है? दैट विच कैन बी बिलीव्ड, जिसको बिलीव किया जाए उसे कहते हैं क्रेडिबल, क्रेडिबल विश्वसनीय। जिसको ना बिलीव किया जाए उसे कहते हैं इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल। वैसे भारत में भी लगाते हैं इनक्रेडिबल इंडिया, जिस पर विश्वास ना किया जाए, तब होता है इसका मीनिंग अतुल्य भारत, मतलब इतना वो है कि किससे से तुलना नहीं करना किया जा सकता, इतना डाइवर्सिटी है। मिराकुलस आप समझते हो, आश्चर्यचकित। क्रेडिटेबल, जिसको उधार दिया जा सके उसे कहते हैं, जिसको उधार आप दे सकते हो उसे क्रेडिटेबल। गलीबल, गलीबल मीन्स होता है जो गलीबल होते हैं वो इजिली किसी पे बिलीव कर लेते हैं, बिलीव इजिली, या बिलीव से अच्छा परसुएड है वैसे तो, लेकिन बिलीव भी लिख सकते हो, या परसुएड, परसुएड मतलब जिसको इजिली आप विश्वास दिला सकते हो कोई चीज। जैसे मम्मी, हमारी मम्मी लोग, हम लोग कुछ कहें तो इजिली मान लेती है हम लोग की बातें, है ना? इतनी अच्छी होती हैं। तो बिलीव, लेकिन वो नेगेटिव है, ये डेरिवेटिव सेंस है गलीबल, जो बिलीव या परसुएड इजिली कर ले, बिलीव परसुएड इजिली, ठीक है? 123, वन हु इज इनडिफरेंट टू पेन एंड प्लेजर, जिसको ना पेन ना प्लेजर का पता चलता है उसे कहते हैं स्टोइक, स्टोइक। इक्सेंट्रिक, देखो इक्सेंट्रिक मीन्स होता है सेंटर से बाहर, मतलब जो एबनॉर्मल है उसे कहते हैं एब नॉर्मल, एक्सेंट्रिक, जो सेंटर से बाहर है। फिलोसोफर, फिलोसोफर, फिल मीन्स लव, किसके लिए? स्टडी के लिए। वन हु हैज लव फॉर नॉलेज, ठीक है? फेटलिस्ट, फेटलिस्ट कौन होते हैं? जो अपने डेस्टिनी पे डिपेंडेंट होते हैं, भाग्यवादी, भाग्यवादी, जो फेट पे विश्वास करते हैं, फेटलिस्ट। नेक्स्ट, एन एबेटोयर, देखो एबेटोयर कहाँ, क्या होता है? जहां पे जानवरों की हत्या की जाती है उसे बेचने के लिए, तो प्लेस वेयर एनिमल आर स्लॉथर्ड, ताकि उसके मीट को खाया जा सके, उसे हम कहते हैं एबेटोयर। नेक्स्ट आ जाओ, अ मैन विद एबनॉर्मल हैबिट्स। तो एबनॉर्मल अभी बताया था, इक्सेंट्रिक मतलब सेंटर से अलग, एबनॉर्मल इक्सेंट्रिक। फनेटिक मीन्स क्या होता है? जो अपने ही आइडिया पे ना टिका रहता है, जो दूसरों के आइडिया को गलत मानता है और अपने ही आइडिया, अपनी ही धुनी रमाता रहता है, उसको लगता है कि मेरी चीजें अच्छी, मेरी मेनली रिलीजन, मेरा रिलीजन अच्छा और सबका रिलीजन गंदा, ऐसे लोगों को हम कहते हैं फनेटिक। और जो जब ये फनेटिसिज्म बहुत ऊपर चढ़ जाता है, मतलब एकदम अपने पीक लेवल पे, तो उसी को हम कहते हैं बिगॉट, बिगॉट, रिलीजियस बिगॉट, मतलब जो बस अपने ही धर्म की बातें करेगा, उसको लगता है कि मेरा धर्म अच्छा और बाकी सबको मार दो, ऐसे को हम कहते हैं फनेटिक। लेकिन ये फ्रेंटिक है, सॉरी सॉरी, ये तो मैंने फनेटिक का नाम, फनेटिक मीन्स ऐसा होता है, ये फ्रेंटिक है, फ्रेंटिक। तो फ्रेंटिक का मीनिंग तो होता है एक्सट्रीमली वरीड, जब कोई बहुत दुख होता है, दुखी होता है, तो हम कहते हैं फ्रेंटिक, फ्रेंटिक, परेशान होना, एक्सट्रीमली वरीड, ठीक है? इडियोटिक, बेवकूफी। सल्की, तो सल्की मीन्स होता है जब आप किसी से नाराज हो जाते हो, है ना, परेशान हो जाते हो, तो उसी को हम कहते हैं सल्की, किसी से नाराज होना। तो लिख लो, नाराज होना, या किसी से दुखी होना, ठीक है, उसे भी हम सल्की कह सकते हैं। यदि करेक्ट स्पेलिंग इंग्लिश में लिखना चाहते हो, हिंदी मतलब इसका डेफिनेशन, तो लिख लो जैसे कि रिफ्यूज टू स्माइल, रिफ्यूज टू स्माइल। जब आप रिफ्यूज कर दो स्माइल से, गुस्से में हो, है ना, वेरी एंग्री, वेरी एंग्री, उसे हम कहते हैं सल्की। चलिए, वर्ड्स इंस्क्राइब्ड ऑन द टॉम्ब, टॉम्ब जो होता है ना, ये टॉम्ब मकबरा, उस पर लिखा होता है ना कि ये पर्टिकुलर इंसान है, इतने दिन को मरा था, ये सब,
उसे हम कहते हैं एपिटैप, एपिटैप जो टॉम्ब के ऊपर लिखा रहता है। इपिग्राफ क्या होता है? इपिग्राफ क्या क्या इसमें, इपिग्राफ, इपिग्राम और एलिजी, एलिगी। अच्छा ठीक है, देखो अगेन इपी मीन्स होता है छोटा, ग्राफ मीन्स लिखना, ठीक है। तो पुराने टाइम के जो लिटरेचर्स हैं और पुराने टाइम जो पत्थरों पे लिखे हैं, इन सब पे लिखा है, उसे हम कहते हैं एपिग्राफ, एपिग्राफ, इंस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन, ठीक है, एपिग्राम। तो एपिग्राम कहते हैं हम लोग, देखो एपी में हमेशा होता है छोटा, तो कोई छोटा चीज जो किसी को किसी किसी आइडिया को एक्सप्रेस करने के लिए लिखा हो गया हो, क्लेवर वे में और एक अमेजिंग वे में, क्लेवरली, है ना, टू एक्सप्रेस आइडिया क्लेवरली, ऐसे कह सकते हैं, टू एक्सप्रेस आइडिया क्लेवरली, उसे हम कहते हैं एपिग्राम। जैसे एक बार क्या हुआ, यूनान पे अटैक कर दिया अरेबियंस ने, तो यूनानियों को कहा कि हम सब तुम्हें मार देंगे, अरेबिक ने कहा यूनानियों को कि तुम्हें मार देंगे, तुम्हारे बच्चों को मार देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, ठीक है, और किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे यदि हम जीत गए। तो यूनानियन ने क्या, जीतोगे तो ना, समझ रहे हो, तो एक डेरोगेटरी वर्ड बोल दिया आराम से, उसी को हम कहते हैं एपिग्राम, टू एक्सप्रेस आइडिया क्लेवरली, ठीक है। एलिगी, देखो एलिगी मीन्स क्या होता है, जब हमारा कोई हमसे दूर होता है तो उसकी याद में, उसके याद आने पे, ठीक है, जनरली कोई जब मर जाता है तो उसकी याद में जो गाया जाता है गाना, उसे एलेगी कहते हैं, ठीक है। ए पोयम, ए पोयम और सॉन्ग, सॉन्ग फॉर समवन डाइड, फॉर समवन डाइड, जो मर गए हैं उनकी याद में, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए 127, अ पर्सन हु लेज टू मच स्ट्रेस ऑन बुकिश लर्निंग, तो क्या कहेंगे उसे, पेडेंट, पेडेंटिक, पेडेंट्स, पेड जो पेजेस पे लगा रहता है, पेडेंट पेजों का एंट, पेडेंट जो बुक में लगा रहता है। वैसे तो एक बिब्लियोफाइल भी होता है जो हमेशा बुक पढ़ता रहता है, लेकिन इसका मीनिंग है कि जो बुकिस चीजें, बुकिस चीजों को ही लिखता है, बुकिस चीजों को ही पढ़ता है, अपनी क्रिएटिविटी नहीं है, उसे हम कहते हैं पेडेंट, ठीक है। फिलोसफर क्या होगा, वन हु लव टू वन हु लव नॉलेज, जिसको नॉलेज से प्यार है, स्कॉलर बुद्धिमान। परवर्ट, परवर्ट का मीनिंग होता है जो, देखो ये एक नेगेटिव जो है वर्ड है परवर्ट, इसका मीनिंग होता है करप्ट, डिस्टॉर्ट, डिस्टॉर्ट सबसे अच्छा कहो, डिस्टॉर्ट, डिस्टॉर्ट, करप्ट भी कह सकते हो, करप्ट, नॉट ओरिजिनल ये भी कह सकते हो आप, ठीक है, परवर्ट, चेंज। नेक्स्ट आ जाओ 128 पे, पोस्ट पोनमेंट और डिले, परमिटेड इन सफरिंग ऑफ पेनालिटी और डिस्चार्ज ऑफ एन ऑब्लिगेशन। जब देखो क्या होता है, जब किसी कैदी के समय को थोड़ा कम किया जाता है, कर दिया जाता है स्पेशल ग्राउंड्स पे, तो उसे हम कहते हैं रेस्पाइट मिलना, कि थोड़ा सा उसे रिलीफ मिल गया है, ठीक है। नेक्स्ट है एस्पायर, देखो एस्पायर क्या होता है, जैसे किसी बिल्डिंग पे, जैसे मान लो एक बिल्डिंग है, घर है, उस पे ऐसा कोई कॉनिकल ऐसा बना रहता है ना ऐसे, ठीक है, इसको हम कहते हैं स्पायर, कॉनिकल शेप ऑन द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग इज कॉल्ड स्पायर। नेक्स्ट है एस्पलरिज, एस्पलरिज देखो स्प्लिट से बना है, मतलब इसका मीनिंग होता है, स्पलरिज का मीनिंग जो आपके पास पैसा उसे खूब खर्च करना, ठीक है, बेकार फालतू में जब जरूरत भी नहीं हो, तो इसको हम इंग्लिश में एक वर्ड है एक्स्ट्रा वेगेंटली, एक्स्ट्रा वेगेंट, ठीक है। नाउ एस्करेज, देखो एस्करेज होता है अ पर्सन, किसी इंसान को हम एस्करेज कह सकते हैं, एडजेक्टिव है एक तरह का, नाउन है सॉरी। तो एस्करेज क्या होगा, कि अ पर्सन और थिंग दैट कॉजेज अ लॉट ऑफ ट्रबल और सफरिंग, जैसे आपके आसपास बहुत से लोग होंगे ऐसे जो, या आपके रिलेटिव में जो आपको हमेशा कोई ना कोई मुसीबत खड़ी करते रहते हैं आपके लिए, सो दैट पर्सन इज एस्करेज, ठीक है। अ पर्सन
और थिंग दैट कॉजेज प्रॉब्लम, कॉजेज अ लॉट ऑफ ट्रबल, ट्रबल। आप इसे व्हाइट एलिफेंट कह सकते हो ईडियम के टर्म में। ईडियम का मीन्स क्या होता है, कैसा आपका पोजेशन जो आपको हमेशा प्रॉब्लम में डालता रहता है। नाउ 129, डेविएशन फ्रॉम द राइट कोर्स, तो उसको क्या कहेंगे, एब्रेशन, एब्रेटेड होना, डेविएशन फ्रॉम द राइट थिंग। इल्यूमिनेशन, चमकना, इल्यूमिनेट का मीन्स क्या होता है, चमकना। अमलगमेशन, अमलगम का मीनिंग क्या होता है, दो डिफरेंट धातुओं को एक साथ मिलाना, टू मिक्स, टू और मोर एलिमेंट, अमलगमेट करना। इमेजिनेशन, कुछ सोचना, इमेजिनेट करना। अ पर्सन, 130 पे आ जाओ, अ पर्सन पेकुलियर हैबिट, जब किसी की हैबिट पेकुलियर होती है, अजीब सी होती है, उसे कहते हैं इडियोसिंक्रेसी। इसकी स्पेलिंग याद कर लेना, पूछेगा, स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है। ट्रेट मीन्स होता है करैक्टर, टैलेंट आप जानते हैं, स्किल। आइडियोलेक्ट, आइडल से बना ये वर्ड, ठीक है। आइडियोलेक्ट होता है द वे दैट अ पर्टिकुलर पर्सन स्पीक, एक ऐसा वे जिससे कोई आदमी बोलता है ना, और यूजेस अ पर्टिकुलर लैंग्वेज। तो आप लिख लो इसको, द वे दैट अ पर्टिकुलर पर्सन पर्सन स्पीक्स, जैसे अमिताभ बच्चन, उसका एक पर्टिकुलर स्पीक बोलने की क्वालिटी है। फॉर एग्जाम्पल शाहरुख, उसका अलग है, सब उसकी नकल करते हैं आवाज, तो इसी को कहते हैं उस वे को, एक पर्टिकुलर वे को, आइडियोलैक्ट। चलिए 131 पे आ जाइए, स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रिपरेशन, इसको कहते हैं इम्प्रॉम्प्टू या एक्सटेम्पोर, एक्सटेम्पोर भी होता है, और इसको इम्प्रॉम्प्टू भी कहते हैं, इम्प्रॉम्प्टू मतलब जल्दी जल्दी में आके कुछ बोल देना, तैयारी नहीं करना। रेट्रिक, रेट्रिक मीन्स होता है पुराना, ओल्ड, कोई चीज से रिलेटेड। ओरेशन मीन्स बोलना, अच्छा वक्ता, वक्ता, ओरेटर, अ गुड स्पीकर। मेडन स्पीच, फर्स्ट स्पीच, 132 पे आ जाओ, वन हु विल डू एनी जॉब फॉर एनी वन फॉर मनी, जो पैसे के लिए किसी कोई भी काम करने के लिए तैयार होता है, उसे हिंदी में क्या कहते हैं, किराए का टट्टू, मर्सिनरी, मर्सिनरी, ठीक है। रिक्रूट, तो क्या रिक्रूट का मतलब, चुनाव करना, भरना, भर्ती करना। हॉडलूम, मर्चेंट मीन्स व्यापारी होता है, हॉडलूम, हॉडलूम का मीनिंग देखो, एक वैसे हैंडलूम भी होता है, लेकिन ये जो है हॉडलूम है, ठीक है। तो हॉडलूम वर्ड बना हॉड से, हॉड मीन्स होता है क्राइम करना, तो हॉडलूम क्या होगा, अ पर्सन हु ऑलवेज कमिट क्राइम, क्राइम या वायलेंस। मर्चेंट, व्यापारी, बिजनेसमैन। 133 पे आ जाओ, द एक्ट ऑफ ट्रेवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है, तो उसे जर्नी कहते हैं, ठीक है। सीरीज, सीक्वेंस, प्रोग्राम, आपको पता है प्रोग्राम की स्पेलिंग याद रखना, क्योंकि बहुत लोग प्रोग्राम ये वाला लिख लेते हैं, ठीक है। प्रोग्राम की स्पेलिंग ये होती है, डबल एम में रॉन्ग होता है, ये ध्यान रखना। 134, द थिंग नो लॉन्गर इन यूज, ऑब्सोलीट कहते हैं। ऑब्स्टेकल, जो रास्ते में आपके बाधाएं होती हैं, उसे ऑब्स्ट्रकल कहते हैं, ऑब्स्ट्रकल। ऑब्स्ट्रक्शन भी वही होता है, ऑब्सीडियन, ये ऑब्सीडियन आपके लिए थोड़ा सा नया है। तो ऑब्सीडियन का मीनिंग क्या होता है, कुछ देखो, ऑब्सीड, ऑब्सीडस मीन्स होता है कुछ हार्ड, नोकीला, तो ऑब्सीड, ऑब्सीडियन का मीनिंग क्या होगा, अ हार्ड, डार्क, है ना, ए हार्ड, हार्ड या कहते हैं इसको, एक ए हार्ड, या आप ये भी कह सकते हो डार्क, हार्ड
डार्क लावा लाइक अ स्टोन, है ना? अपने देखा होगा ना जो लावा वाला स्टोन होता है वो काफी हार्ड होता है, उसी को कहते हैं ऑब्सीडियन। तो एक स्टोन होता है ऑब्स्ट्रक्शन, आप पता चल गया आपको। मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी, जो पैसा आपको दिया गया है उसको आप गलत जगह खर्च करना, एम्बेजलमेंट। रॉबरी और थेफ्ट दोनों में अंतर है। रॉबरी और थेफ्ट का मीनिंग क्या होता है देखो, इन दोनों में अंतर है। रॉबरी का मतलब ये नहीं होता है लूटना, और थेफ्ट का मीन्स चोरी करना, वो हिंदी नहीं है पूछा गया है। देखो थेफ्ट का मीनिंग क्या होता है, जैसे सपोज करो कि एक ना एक ये एक संदूक है, एक बॉक्स है, तो इस बॉक्स को यदि कोई थेफ्ट कर ले, थेफ्ट मतलब इस बॉक्स को उठा के लेके भाग जाएगा वो, तो ये हो गया थेफ्ट करना। और रॉबरी क्या है, रॉबरी मीन्स होता है इसके अंदर जो भी चीजें हैं उसको लेके चला जाए, बॉक्स अपने जगह पर ही रह जाएगा, इसके अंदर का सामान लेके चला जाए तो उसे क्या कहेंगे, रॉबरी। द बॉक्स इज रॉब्ड। और थेफ्ट, बॉक्स इज थेफ्ट का मीनिंग हो जाएगा उठा के लेके भाग गए बॉक्स को ही, फ्रॉड आप समझते हो। 136 पे आइए। व्हेन समथिंग मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, व्हेन समथिंग मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, क्वाड्रिलिनियल नहीं, ऑक्टालिनियल नहीं, रेक्टिलिनियर या ट्रापीनियल, ठीक है? तो यहां पे तो वैसे कोई नहीं लग रहा, स्ट्रेट लीनियर होना चाहिए था, स्ट्रेट लाइनर होना चाहिए था, लेकिन अब इसमें रेक्टिलिनियर ही भर दो, क्या करोगे, मजबूरी है, सबसे अच्छा यही है, बेस्ट पॉसिबल। वैसे स्ट्रेट लीनियर होता है। 137, टेंडिंग टू एसोसिएट विद अदर ऑफ वंस काइंड। देखो जब वो अपने ही जैसे लोगों के साथ में कोई रहना चाहे, तो एक वर्ड होता है ग्रैग, ग्रैग, ग्रैग मीन्स होता है झुंड, जो झुंड में रहना पसंद करे, जो अकेला नहीं रहना चाहता उसे कहते हैं ग्रेगेरियस, ग्रेगेरियस। अच्छा, जो ये ग्रासी वोरस, ग्रासी वोरस मतलब जो ग्रास खाता है, ग्रेगेरियन और ग्रामिनी वोरस, तो ग्रामिनी वोरस का मीनिंग भी ग्रासी होता है, तो ये भी ग्रास ईटर को कहते हैं, ग्रामिनी वोरस भी ग्रास ईटर होता है, ठीक है? अच्छा, ग्रिगेरियस हो गया था, ग्रिगेरियन, ग्रिगेरियन और ग्रिगेरियस एक ही बात है, झुंड में रहना, ये दोनों एक ही बात है, लेकिन ग्रिगेरियन जो है ये टेंडिंग टू एसोसिएट, दोनों का मीनिंग सेम होता है, दो दे दिया सेम मीनिंग, ठीक है? ये दोनों सेम ही है, ग्रिगेरियन भी और ग्रिगेरियस भी, तो ग्रिगेरियस लगाओ ज्यादा, क्योंकि ज्यादा कॉमन ये है ग्रिगेरियस। ग्रिगेरियन मीन्स होता है जो झुंड में रहना पसंद करता है, बिलोंगिंग टू हर्ड और कॉमन पार्ट ऑफ इट, ग्रिगेरियस का भी मीनिंग, लेकिन यही होता है, दोनों सेम ही वर्ड है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 138, जनरल पार्डन, उसको कहते हैं अमनेस्टी, जब बहुत लोगों को एक साथ माफ कर दिया जाए, अमनेस्टी, अमनेस्टी। इसके ऊपर एक वो भी है, एक बॉडी अमनेस्टी इंटरनेशनल, पूछा जाता है अमनेस्टी इंटरनेशनल क्या करता है, ढूंढ लेना आपने यूट्यूब पे, जो भी यहाँ पे ढूंढना हो। अमनेस्टी इंटरनेशनल जो है पीस शांति फैलाने के लिए। सैंक्टिटी, सैंक्टिटी मीन्स होता है पवित्रता। ग्रैचुटी, ग्रैचुटी जो जॉब में मिलता है हमें, ग्रैचुटी। रेड टेपिज्म मीन्स होता है भाई भतीजाबाज, अपने लोगों को ज्यादा प्रिफर करना, रेड टेपिज्म। नहीं, वो तो नेपोटिज्म होता है, सॉरी, नेपोटिज्म, नेपोटिज्म मीन्स होता है भाई भतीजावाद, ये तो रेड टेपिज्म है। अच्छा, रेड टेपिज्म का मीन्स होता है टू मैनी पेपर वर्क, पेपर वर्क। जैसे आप गवर्नमेंट से कुछ निकलवाने जाते तो आपको कहता है ना कि ये लेके आओ वो लेके आओ, तो मतलब मन चाह के किसी को उलझाए रखना इस पेपर वर्क में, उसे कहते हैं रेड टेपिज्म, जनरली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में होता है। 139, अ पर्सन मोटिवेटेड बाय इरेशनल इंथ्यूजियाज्म। इरेशनल मतलब जो लॉजिकल नहीं है, तो ऐसे लोगों को हम फनेटिक कहते हैं, बिगॉट, जो अपनी ही बातें मानते हैं। मॉडरेट, जो मॉडरेट होता है वो ऐसे होते हैं, ना ज्यादा उदंड ना ज्यादा शांत, सभी चीजों में जो चीज अच्छी होंगी उसको वो सपोर्ट करेंगे, जो चीज अच्छी नहीं होगी उसे नहीं सपोर्ट करेंगे। कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव वो होते हैं जो हमेशा सभी चीजों को कहेंगे नहीं ये सही नहीं है वो सही नहीं है, हमेशा ये नो आंसर देंगे कि ये चीजें सही नहीं है, उसे हम कहते हैं कंजर्वेटिव, जो चेंज नहीं होना चाहते, अनेबल, दे डोंट वॉन्ट टू चेंज। नेक्स्ट आ जाइए। वाइड अनट्रिप्टेड व्यू, जैसे किसी चीज का, जैसे कोई एक आपका ये खिड़की है, खिड़की से आपने कोई
कुछ देख रहे हैं इधर बाहर की दुनिया। तो ये क्या है, पैनोरमा, इसे कहते हैं पैनोरमा। ठीक है, मैक्रो मीन्स थोड़ा बड़ा होता है, ईगल व्यू मतलब एक ही आई, एक ही नजर में सब कुछ देख लेना, सरप्टेशियसली ईगल व्यू को कहते हैं। 141, एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग द प्रेशर ऑफ द गैसेस, बैरोमीटर कहते हैं, बैरोमीटर प्रेशर मेजर करता है। एनीमोमीटर विंड स्पीड मेजर करता है, विंड स्पीड। माइक्रोमीटर मैनोमीटर, ठीक है, मैनोमीटर भी जो है प्रेशर मेजर करता है, मैनोमीटर, लेकिन गैसेस का नहीं। माइक्रोमीटर मतलब जो बहुत छोटी चीजों को मेजर कर ले। दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन वर्ड, जिसको आप वर्ड में ना बता सको, इन इनएफेबल, इनएफेबल। ठीक है, इनडेलिबल क्या होता है, तीन चीज अपने को यहां पे नया मिल रहा है, इनडेलिबल, इन ग्रेट, इनएक्सोरेबल। नेक्स्ट इनडेलिबल, इनडेलिबल मीन्स होता है मेकिंग अ मार्क दैट कैन नॉट बी रिमूव्ड, एक ऐसा मार्क बनाना जो कभी डिलीट ना हो, मिटे नहीं। इन ग्रेट, इन ग्रेट का मीन्स होता है जो ग्रेटफुल ना हो, जो आप जिसके लिए जो काम कर रहे हैं वो आप कुछ, आप किसी के लिए आपने कुछ वर्क किया तो आपके लिए ग्रेटफुल नहीं है वो, अनग्रेटफुल होना है ना। इन एग्जोरेबल, एग्जोरेबल का मीन्स होता है जिसको जिसको आप किया जा सके, फिजिबल, इनएक्सोरेबल, इम्पॉसिबल टू स्टॉप, जिसको स्टॉप करना नामुमकिन है, इनएक्सोरेबल, और एक्सोरेबल जिसको स्टॉप किया जा सके। 143, मिक्सचर ऑफ ड्राइड नेचुरली फ्रेग्रेंट प्लांट मटेरियल यूज टू प्रोवाइड जेंटल नेचुरल सेंट इन साइड बिल्डिंग, स्पेशली इन रेजिडेंशियल सेटिंग। अच्छा, इसे हम कहते हैं पॉट प्री, ऐसे सेंट्स को परफ्यूम नहीं कहते, परफ्यूम तो हम लोग बॉडी में यूज करते हैं, सेंट भी बॉडी में यूज करते हैं, अरोमा खुशबू को कहते हैं, लेकिन जो बिल्डिंग में यूज किया जाता है ना, उसे हम कहते हैं पॉट पॉरी, जो घर वगैरह में आप यूज करते हैं। ठीक है, गोदरेज वगैरह का आता है। 144, प्लेसिंग डिफरेंट थिंग इन ऑर्डर टू क्रिएट एन इंटरेस्टिंग इफेक्ट, तो एक चीज के बाद दूसरा चीज ऐसे रखना, इसे कहते हैं जक्स्टापोज, जो ये लिखा हुआ है। ठीक है, और कोई इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड है नहीं। स्टडी ऑफ कल्चर, इथनोलॉजी कहते हैं, अभी हमने कुछ देर पहले ही किया था। ठीक है, एटाइमोलॉजी होता है ओरिजिन ऑफ वर्ड, ओरिजिन ऑफ वर्ड, और इरेनोमेटोलॉजी, इथोलॉजी कुछ नहीं होता। अ पर्सन इज स्पीकिंग मैनी लैंग्वेज, उसे कहेंगे पॉलीग्लॉट, पॉली मीन्स बहुत, ग्लॉट मीन्स गला। कन्वर्सेंट, कन्वर्सेंट मतलब जो बोला जा सके, टॉकेटिव, जो बहुत बातूनी है, बहुत बोलता है। ओरेटर, अ गुड स्पीकर, अ गुड स्पीकर। नेक्स्ट आ जाओ, 143, अ लेंदी एंड अग्रेसिव स्पीच एड्रेस टू अ लार्ज असेंबली, जब कोई चीज एक लार्ज असेंबली में लोगों को कहा जाता है, उसे कहते हैं हैरिंग, हैरिंग है ना। पेंडेमोनियम मीन्स क्या होता है, शोरगुल। कैकोफोनी मीन्स होता है शोरगुल, हल्ला बोल तो ये बेकार वर्ड है, ये इंग्लिश का वर्ड नहीं है। कैकोफोनी मीन्स होता है शोरगुल, पेंडेमोनियम का भी मीनिंग होता है शोरगुल। कैको मीन्स गंदा और फोनी मीन्स आवाज, और हैरेंग मीन्स होता है लेंथी और अग्रेसिव स्पीच। वन फोर्टी सिक्स, वन हु इज नॉट इजली प्लीज्ड, तो उसे हम क्या कहते हैं, फैस्टिडियस कहते हैं, है ना। गलीबल, इनोसेंट, एमिनेबल, हम लोग कर चुके हैं ये। 147 पे आ जाओ, अ प्लेस वेयर सोल्जरली, बैरक कहते हैं उसको, तो ऑर्डनेंस डिपोट, जहां पे रक्षा वस्तुएं बनती है, रक्षा सामान, जैसे गन वन, टैंक्स, शेक्स, आप समझते हो शेकर्स, मिक्स करने वाला। 148, अ मैन हु कलेक्ट ओल्ड एंड न्यू कॉइन, न्यूमिसमेटिस्ट, बता चुका हूं मैं आपको। जियोलॉजिस्ट, स्टडी अर्थ, जो अर्थ की स्टडी करता है, अर्थ के अंदर क्या है, उसकी संरचना क्या है। आर्कियोलॉजिस्ट, स्टडी ओल्ड थिंग, ओल्ड थिंग्स को स्टडी करता है ये आर्कियोलॉजिस्ट। जूलॉजिस्ट, जू मीन्स एनिमल, एनिमल की स्टडी करता है। 149 पे आ जाओ, रेगुलर यूजर्स ऑफ प्लेस या रेस्टोरेंट, उसे हम कहते हैं क्लाइंटली, जिस जो ग्राहक हैं, मान लीजिए आपके बहुत सारे, तो आपके क्लाइंटली हैं, क्लाइंटली। 100 हु हैज लॉस्ट द प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, जो जिसको लॉ ने ये कह दिया हम इसकी कोई रक्षा नहीं करेंगे, इसे कहते हैं आउट लॉ, आउट लॉ कर दिया लॉ ने उसे।
हाँ ये रहा इमिग्रेंट। इमिग्रेंट क्या होता है, जब सपोज करो आप इंडिया में हो, आप अमेरिका चले जाए, तो वहां के लिए आप क्या हो जाएंगे, इमिग्रेंट। कोई एक ऐसा पर्सन जो एक दूसरे कंट्री में आ जाता है उसे क्या कहते हैं, इमिग्रेंट। आउटकास्ट बाहर कर देना, ऑर्फन जिसके माता पिता नहीं हो उसे हम ऑर्फन कहते हैं। फ्लैसिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट एक्सेट्रा, फॉल्सिफिकेशन मतलब झूठा देना, तो उसे कहते हैं फॉर्जरी। ठीक है, जेरोक्सिंग आप समझते हो, लेमिनेट भी समझते हो, कॉपी भी समझते हो आप। टू मेक अटोनमेंट फॉर वन सीन, उसको कम करना, अटोन कर देना मतलब कम कर देना उनके सीन को, उनके पाप को कम करना, एक्सपिएट कहते हैं। रिनाउंस, रिनाउंस का मीनिंग होता है, हमने सिनोनिम में भी किया हुआ है इसको, रिनाउंस करना मीन्स त्याग देना, किसी चीज को त्यागना, जैसे राम ने त्याग दिया गद्दी, रिनाउंस कर दिया। ठीक है, त्याग देना।